कमलेश टी पटेल पुरानी परंपरा में एक मौलिक आवाज हैं। कई लोग उन्हें दाजी के नाम से भी जानते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान से संबंधित उनकी शिक्षाएं उनके व्यक्तिगत अनुभवों से उभरी हैं, जो उनके गहन अनुसंधान करने के जज्बे एवं विश्व की महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती हैं। दाजी का जन्म गुजरात में 28 सितंबर सन 1956 को हुआ। बहुत छोटी उम्र से ही अध्यात्म एवं ध्यान में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में फार्मेसी की पढ़ाई जारी रखते हुए हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति को अपनाया और जल्द ही वे अपने प्रथम गुरु बाबूजी हार्टफुलनेस वंशावली के द्वितीय मार्गदर्शक से मिले। अहमदाबाद के एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से अपने स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करके दाजी विवाह करके न्यूयॉर्क चले गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया और साथ ही धैर्यपूर्वक एक सफल औषधि का व्यवसाय खड़ा किया। सन 2011 में चारी जी ने अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के तौर पर दाजी का चुनाव किया। दाजी ने इसके साथ ही चारी जी के निष्ठावान शिष्य बनकर ध्यान के प्रति अपने प्रेम को जारी रखा। समय के साथ साथ संगठनात्मक तौर पर तथा इस पद्धति की शिक्षाओं व संदेशों का प्रसार करते हुए हार्टफुलनेस आंदोलन में दाजी की भूमिका सक्रियता से बढ़ती गई। चारी जी ने दाजी को हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका का भार सौंपकर 20 दिसंबर सन 2014 को इस संसार से विदा ली। हार्टफुलनेस आंदोलन के मार्गदर्शक के तौर पर दाजी व्यापक रूप से यात्राएं कर जिज्ञासुओं को संबल देते हुए आज के आधुनिक गुरु के अनेक दायित्व निभाते रहे हैं। दाजी आज के युवाओं को आत्म प्रबंधन, व्यावहारिक साधन एवं सार्वभौमिक मूल्यों से परिचय कराने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। आज उनके मार्गदर्शन में 3000 से भी अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र नैतिक मूल्यों पर आधारित आत्म विकास के कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। स्वयं को अध्यात्म के विद्यार्थी मानते हुए दाजी अपना अधिकांश समय अध्यात्म और चेतना के क्षेत्र में शोध करने में बिताते हैं। दाजी के लेख कई जाने माने प्रकाशनों जैसे हफिंगटन पोस्ट, शिकागो ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुए हैं। रेडियो सिटी पर उनकी वार्ताओं की श्रृंखलाओं जैसे दिल की आवाज का खुले दिल से स्वागत किया गया है, जो 12 कड़ियों तक चली। दाजी पुरातन परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ तालमेल रखने के पक्षधर हैं, जिसके लिए उन्होंने ध्यान तथा योगिक प्राणाहुति के मनोवैज्ञानिक एवं अनुवांशिक प्रभावों पर शोध करने के लिए 100 वैज्ञानिकों का एक दल तैयार किया है। वे अध्यात्म को वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के नजरिए से देखने में विश्वास रखते हैं। एक ऐसा प्रयोगात्मक नजरिया जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों एवं इस क्षेत्र में उनकी दक्षता से उभरा है। वे अक्सर कहा करते हैं कि आप स्वयं प्रयोगकर्ता हैं, परीक्षण भी आप हैं एवं इसका परिणाम भी। दाजी चाहते हैं कि हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति
विश्व भर में प्रत्येक परिवार के लिए उपलब्ध हो। उनके मार्गदर्शन में 130 देशों में हजारों हॉटस्पॉट्स एवं रिट्रीट केंद्रों में हार्टफुलनेस ध्यान निशुल्क प्रदान किया जाता है। दुनिया भर में व्यक्तिगत एवं सामूहिक ध्यान के लिए कई हार्टफुलनेस प्रशिक्षक उपलब्ध हैं तथा आईफोन्स व एंड्रॉयड फोन में हार्टफुलनेस ऐप के जरिए भी ध्यान किया जा सकता है।